हाय फ्रेंड्स, मैं सरोज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मास प्रोडक्शन एंड इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चर के चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज 19 का ही पार्ट है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 18 के सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कवर कर चुके हैं। जो कोई मिस कर गए हैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लीज़ उसे देख लीजिए। फ्रेंड्स, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपसे मिस ना हो। तो चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। और एक बात, जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो एक नॉमिनल सा प्राइस देके पीडीएफ ले सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और ईमेल। उसका सारे डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब पीडीएफ रेडी हो जाएगा। तो चलिए सीधे वीडियो देखते हैं फ्रेंड्स। ये कुछ एब्रीवेशन है उसका शॉर्ट फॉर्म, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये चार में से हमेशा एक ना एक आते रहते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 664, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेजेस ऑफ मास प्रोडक्शन। बड़े पैमाने पर उत्पादन का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए, मैन्युफैक्चरिंग टाइम रिड्यूस्ड। ऑप्शन बी, कॉस्ट ऑफ द जॉब रिड्यूस्ड। ऑप्शन सी, स्पेयर्स मेड अवेलेबल इजीली। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। जो मास प्रोडक्शन का एडवांटेजेस होता है वो ये सारे होते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी, मैन्युफैक्चरिंग टाइम कम हो जाते हैं, जॉब का कॉस्ट भी कम हो जाएगा और स्पेयर भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 665, इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली अप्लाइड फॉर। इंटरचेंजेबिलिटी आमतौर पर डेस्क के लिए लागू किया जाता है। ऑप्शन ए, मास प्रोडक्शन। ऑप्शन बी, रिपेयरिंग ऑफ पार्ट्स। ऑप्शन सी, सिंगल पीस प्रोडक्शन। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। आंसर इज ऑप्शन ए, मास प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 666, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट्स मे बी ऑब्टेंड बाय अडॉप्टिंग द सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फिट्स। ऑप्शन ए, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट्स मे बी ऑब्टेंड बाय अडॉप्टिंग द सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फिट्स। ऑप्शन बी, द BIS सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फिट्स डज नॉट गिव द डिजायर्ड फिट। ऑप्शन सी, इंटरफेरेंस फिट इज ऑलवेज डिजाइंड विथ ए पॉजिटिव क्लियरेंस। ऑप्शन डी, ट्रांजिशन फिट इज ऑलवेज स्पेसिफाइड विथ ए नेगेटिव। आंसर इज ऑप्शन ए, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट्स मे बी ऑब्टेंड बाय अडॉप्टिंग द सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 667, द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। ऑन हुज ओपिनियन इज द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन बेस्ड। द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। ऑन हुज ओपिनियन इज द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन बेस्ड। गुणवत्ता नियंत्रण का पहला चरण उत्पाद विनिर्देश है। किसकी राय पर उत्पाद विनिर्देश आधारित है? ऑप्शन ए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ऑप्शन बी, कंज्यूमर यूजर। ऑप्शन सी, सेल्स डिपार्टमेंट। ऑप्शन डी, सर्विसिंग डिपार्टमेंट। आंसर इज ऑप्शन बी, कंज्यूमर यूजर। जो यूजर होते हैं वो ही सही बता सकते हैं प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है। क्वेश्चन नंबर 668, मास प्रोड्यूस्ड कंपोनेंट्स शुड बी इंटरचेंजेबल। वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिक्वायर्ड टू अचीव द इंटरचेंजेबिलिटी इन मास प्रोडक्शन। बड़े पैमाने पर उत्पादित घटक विनिमेय होने चाहिए। निम्नलिखित में से एक बड़े पैमाने पर उत्पादन में विनिमयता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए, डायमेंशनल एक्यूरेसी। ऑप्शन बी, स्टैंडर्डाइजेशन। ऑप्शन सी, ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी। ऑप्शन डी, सरफेस फिनिश। आंसर इज ऑप्शन बी, स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 669, थ्रेडेड कंपोनेंट्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल आर मैन्युफैक्चर्ड विथ थ्रेड टोलरेंस। वन ऑफ द रीजन फॉर हैविंग थ्रेड टोलरेंस इज टू। थ्रेडेड पुर्जा दोनों बाहरी और आंतरिक थ्रेड की टोलरेंस के साथ निर्मित होते हैं। थ्रेडेड पुर्जा दोनों बाहरी और आंतरिक थ्रेड की टोलरेंस के साथ निर्मित होते हैं। थ्रेड टोलरेंस होने के कारणों में से एक है। ऑप्शन ए, एंश्योर इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ थ्रेडेड पार्ट्स। ऑप्शन बी, आइडेंटिफाई एंड ग्रुप ऑफ थ्रेडेड असेंबलीज बाय लेबलिंग। ऑप्शन सी,
determine the percentage of threaded of both bolt and nut. Option D, obtain qualitative surface finish. Answer is option A, ensure interchangeability of threaded parts. तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर में कुछ और क्वेश्चन आंसर लेके आते हैं. थैंक यू.